नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं साथियों, जो सभी लोग मुझे पूरे दुनिया से किसी भी जगह से सुन रहे हैं एवं देख रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं, यहां पर भारत देश की सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर होने वाली रिक्रूटमेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में मेल के लिए जो हो रही थी, उनके फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं, जो कि 9 दिसंबर के डेट में 2023 में रिलीज करे गए हैं, जिसको लेकर पूरा इस वीडियो में डिस्कशन होगा। मेनली क्या कट ऑफ आपका आया है, जो कि 2022 वाले कैंडिडेट्स के लिए आया है, वो डिस्कस होगा। रिजल्ट में कौन कौन से ऐसी चीज़ें बताई गई हैं वो डिस्कस होंगी। इसके अलावा आपकी लिस्ट भी आ चुकी है, जिसके अंदर ये लिखा है कि किस नाम का कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका नाम, कैटेगरी और उसकी कुछ कॉमन सी डिटेल्स जो कि उसके रिजल्ट के लिस्ट में दी गई है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। जो भी लोग मुझे अंत तक यानी लास्ट तक इस वीडियो को सुन रहे हैं एवं देखते हैं, उन सभी को सारी जानकारियां समझ आएंगी। तो दोस्तों बता दूं, यहाँ पर जो है 2022 के जून या जुलाई मंथ में रिलीज करा गया एसएससी द्वारा एक नोटिफिकेशन था, जिसमें ये कहा गया कि हमें जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इंडिया देश की यानी कि अगर बात करें भारत की राजधानी दिल्ली में, यहाँ पर कहा गया कि हमें 1421 ऐसे दिल्ली पुलिस के अंदर ड्राइवर्स चाहिए। दिल्ली पुलिस में हमें कांस्टेबल ड्राइवर चाहिए, जो कि सिर्फ हम मेल को लेंगे। इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मैंने जैसे आपको बताया तब आया था। तो इन्होंने अभी ये कहा है कि अब जो लोग फाइनली सिलेक्ट हुए उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं हम, साथ में आपकी कट ऑफ्स क्या क्या रही हैं, कितने लोग क्वालिफाइड करे कितने नहीं करे, वो सब हम अभी बता रहे हैं। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिन लोगों ने भी एसएससी द्वारा आयोजित करा गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर मेल एग्ज़ाम दिया था 2022 का, मीन्स 2022 का, यानी कि अभी आप 23 मत समझना इसको, 2022 की बात हो रही है ये, तो उनका रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है दोस्तों। अगर बात करें इनका एग्ज़ाम भी 2022 में ही हो गया था, इनके फॉर्म्स भी 2022 में ही भरवा लिए गए थे, रिजल्ट आप देख सकते हो कि 2023 के एंड तक आ रहे हैं। अगर बात करें भारत देश में, अगर आपने कहीं से भी झारखंड रहा हो, कर्नाटका, मेघालय, मणिपुर, केरला, असम, वेस्ट बंगाल या किसी भी जगह से भारत देश की अगर आपने फॉर्म भरा था और आप वेट कर रहे थे रिजल्ट का, तो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट रहेगा, आपका रिजल्ट एसएससी द्वारा रिलीज कर दिया गया है, जिसके बारे में पूरा डिस्कशन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। अभी बात करें इसकी लिस्ट की, कौन कौन सिलेक्ट हुआ है वो, और कट ऑफ नोटिस की, तो सारा मैंने आपको वीडियो के सही नीचे दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। पहले हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर लिस्ट की चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले आप देख लो, ये आपका है नोटिस। इसमें बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉन्फिडेंशियल 1/2 सेक्शन, यहाँ पर बोला गया है कि कांस्टेबल ड्राइवर मेल दिल्ली पुलिस में इनको 1411 ऐसे मेल कैंडिडेट चाहिए थे, जिनको ये ड्राइवर की पोस्ट पर ले रहे थे दिल्ली पुलिस में। इसके लिए इन्होंने एग्ज़ाम कराया 2022 में और इसका रिजल्ट अब फाइनल अब दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि एसएससी डिक्लेयर कर रहा है आपका रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जो कि हमने लिया 29 दिसंबर में 2022 में, जहाँ पर देखा यह गया कि 26,812 ऐसे यूनिक कैंडिडेट्स थे जो कि शॉर्टलिस्ट करे गए टू अपियर इन फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि PET और PMT, यानी कि MT और PET PT जैसे एग्ज़ाम्स जो आपके रहते हैं। बेसिकली ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, जहाँ पर आपकी फिजिकल एफिशिएंसी देखी जाती है, बेसिकली फिजिकली आप कैसा फिट हैं, उसके लिए कुछ टेस्ट में कुछ करवाते हैं, कुछ कुछ टास्क करवाते हैं वो करने होते हैं, और इसके अलावा मेजरमेंट में भी आपकी हाइट, वेट और ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन,
तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर हमने जो 29 दिसंबर में जो एग्ज़ाम लिया 2022 के ईयर में, उसमें हमने 26,812 ऐसे लोग थे जो कि सिलेक्ट हुए यहाँ से एग्ज़ाम पास करके, जो लोग फिजिकल के लिए गए, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया उन सब ने। और बात करें ये दोनों चीज़ें कब हुई थी, तो ये आपकी 14th अप्रैल से लेके 2 मई 2023 के बीच में आपकी फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन सभी का हो गया। बेसिकली जो लोग यहाँ सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करा लिया है। समरी ऑफ द रिजल्ट की बात करें एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज एन अंडर, तो आप देख सकते हो ये 26,812 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे इन चीज़ों के लिए। उसके बाद देखा ये गया कि फिजिकल के लिए यहाँ पर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ 20,318 लोग पहुँचे, 6,491 लोग नहीं पहुँचे, 6,491, और जिसमें से 20,000 में से आप देखोगे तो 5,327 कैंडिडेट ने पास नहीं करा इसको, और 14,991 कैंडिडेट जो ऐसे थे जिन्होंने पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पास कर लिया। और यहाँ पर कह रहे हैं 3 कैंडिडेट ऐसे थे यहाँ पर देखा गया जिनको डिबार्ड कर दिया, या डिबार्ड मतलब निष्कासित हो जाता है। बेसिकली डिबार्ड जो होता है आपका वो कुछ लोगों के लिए लाइफ टाइम भी कर सकता है अगर कमीशन, अगर कोई केस ऐसा रहे, और कुछ लोगों के लिए ये डिबार्डमेंट स्पेसिफिक पीरियड फॉर द 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर एक्सेट्रा हो सकता है। डिबार्डमेंट मीन्स ये होता है ये कैंडिडेट्स ने ऐसा कुछ करा होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो कि इनके रूल्स के विरुद्ध होगा। सपोज अगर इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो ना करते हुए कुछ ऐसा करा होगा जिसके कारण इनको निष्कासित करा गया, हालांकि कितने समय के लिए किया गया ये कुछ भी यहाँ नहीं लिखा है। बेसिकली जिनके नाम जिनके रोल नंबर्स यहाँ दिए हैं वो लोग ये चीज़ें समझ रहे होंगे। आपको बता दूँ ये 3 रोल नंबर हैं, इनके रिजल्ट अभी नहीं आए हैं और ये आएंगे भी नहीं क्योंकि ये डिबार्ड हो चुके हैं। बाकी लोग देख सकते हो इतने लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं आपके ये डीवी और आपका फिजिकल टेस्ट के बाद। अभी इसके आगे बात करें तो ट्रेड टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द ट्रेड टेस्ट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द पीटी वाज कंडक्टेड बाय द, अब देखिए मैं आपको बता दूं इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट हुआ। ट्रेड टेस्ट बेसिकली क्या होता है, सपोज आप जानते हो यहाँ पर फिर आपको ड्राइवर के लिए जाना है दिल्ली पुलिस में, ठीक है, तो आपका पहले एग्जाम लिया, उसका रिजल्ट दिया, फिर फिजिकल कराया, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया। अब ट्रेड टेस्ट बेसिकली क्या है कि आप ड्राइवर बनोगे, यहाँ पर ड्राइवर का काम करोगे, तो आप ड्राइवर बेसिकली एक ट्रेड है जिसके लिए आपके पास ड्राइवर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, स्पेशली उसका लाइसेंस भी होना चाहिए। तो ड्राइवर की पोस्ट में जिन्होंने फॉर्म भरा उनके लिए उनका ट्रेड टेस्ट कहा कहलाएगा ड्राइविंग टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट उनका ट्रेड टेस्ट होगा। तो ये इनका हो गया था दिल्ली पुलिस के अंदर कंडक्टेड, दिल्ली पुलिस ने करवाया था इसको, और ये 10th अक्टूबर से लेकर 8th नवंबर तक चला था। आप देख सकते हो ड्राइविंग टेस्ट इन सबका चला था। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द रिजल्ट ऑफ, अब मैं आपको बता दूं 14,991 लोगों सिलेक्ट हुए थे टेस्ट देने के लिए ड्राइविंग का, जिसमें से 1,059 लोगों ने नहीं दिया, 13,932 लोगों ने दिया, और बेसिकली इतने लोगों के देने के बाद भी आप अगर देखो तो 1,256 लोग यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं कर पाए, और यानी ट्रेड टेस्ट, और 12,674 लोग इस चीज़ को पास कर गए। अब इसके बाद अगर देखते हो आप तो यहाँ पर लिखा है एज पर द, आप अगर नोटिफिकेशन का पैरा नंबर 6.5 पढ़ते हो वहाँ पर ये लिखा है द कैंडिडेट पोजेसिंग एनसीसी सर्टिफिकेट, जिनके पास भी नेशनल कैडेट कोप का सर्टिफिकेट है, सपोज ए है, बी है, सी है, 3 तरह के होते हैं एनसीसी के सर्टिफिकेट। आपके पास अगर ए वाला है तो आपके मैक्सिमम जितने जितने मार्क्स का एग्जाम रहा था उसके उसके 2% मार्क्स जितने हैं आपके, सपोज आपका 100 मार्क्स का रहा एग्जाम और आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है, तो यानी कि 2 नंबर और आपके एक्स्ट्रा ऐड हुए होंगे आपके मार्क्स में, तो ये रहेगा एक परसेंटेज जो आपके में ऐड करा गया आपके पास अगर एनसीसी जैसी क्वालिफिकेशंस है या एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर लोगों के लिए। बेसिकली आपको बता दूँ डिटेल ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन द फाइनल रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट में आप कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो सबसे पहले आप ये समझो ओपन ओपन ESM मतलब क्या हो जाता है, देखिए 2 तरह से है। ESM बेसिकली होता है एक्स सर्विसमैन को ESM कहा जाता है, और ओपन मीन्स बाकी सभी लोग, यानी कि एक्स सर्विसमैन को अगर हटा दे, एक्स सर्विसमैन की भी भाई कोई ना कोई तो कम्युनिटी होगी ही, सपोज वो SC ST OBC कुछ ना कुछ तो वो भी कैंडिडेट होगा ही, तो अगर एक्स सर्विसमैन में अगर कोई SC रहा है तो ऐसे में SC लोग जो सिलेक्ट हुए हैं वो 19 हुए हैं ESM में, और ST में 1 हुआ है, OBC में 35 हुए हैं,
14 लोग EWS से ESM में सिलेक्ट हुए हैं। अगर आप ESM को भी भूल जाएं और बेसिकली ये बात करें कि ओपनली, अगर बात करें आप ओपनली, मतलब कि एक नॉर्मल कैंडिडेट, एक्स सर्विस मैन नहीं, ना कि वो एयरफोर्स में गया या तो वो नेवी में गया, आर्मी में गया, नहीं, ऐसे लोग तो ESM में आ जाते हैं। और वो लोग जो कि एक नॉर्मल है, मान लीजिए पहली बार इस जॉब को ले रहे हैं या कहीं और काम कर रहे थे और वो अब इस जॉब को ले रहे थे, और वो अगर SC थे तो 236 लोग यहाँ से सिलेक्ट हुए, ST 45, OBC 318, EWS 128 और UR से 543, टोटल 1270 लोग ऐसे सिलेक्ट हुए हैं और ESM से 130 सिलेक्ट हुए हैं। तो ये हुए हैं टोटल 1400 लोग सिलेक्ट। 1400 लोगों को सिलेक्ट किया गया है यहाँ से फाइनल रिजल्ट के अंदर, जिनको आप लिस्ट में अभी देख भी पाओगे, इंक्लूडिंग इसमें आपके 11 SC, 2 ST और ये सारी कैटेगरी कैंडिडेट क्वालिफाइंग एट, इन्होंने UR के स्टैंडर्ड पे पास कराया। हालांकि है ये SC ST, इतने, मतलब ये कह रहे हैं इतने SC ST और OBC कैंडिडेट देखे गए जो कि एक UR कैटेगरी पे पास करे हैं, मतलब कि ये है कि ये SC ST तो है लेकिन इन्होंने UR के हिसाब से अपने आप को पास करवाया है यहाँ पे, मतलब ये UR के तौर पर अपियर हुए थे। कैंडिडेट मार्क्स की डिटेल आपको बता दूं, जो भी लोग लास्ट सिलेक्ट हुए रिजल्ट में कैटेगरी वाइज, तो आपको बता दूं EWS में 128 वैकेंसियां थी, सारी भर गई हैं, और इसमें जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उसकी जो कट ऑफ गई है EWS में वो 71.49813 के लगभग गई है। यानी कि जो भी कैंडिडेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से सिलेक्ट हुआ है इन 128 लोगों में, उसके मार्क्स 71.4 आए हैं। और ये जो है इसका 1999 के जनवरी के 26 जनवरी का इसका बर्थ है इस कैंडिडेट का। मतलब मेनली बात ये कह रहे हैं जो लोगों ने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया, सारे प्रोसेस फॉलो करें, और अगर वो EWS से थे और अगर उनके मार्क्स 71.4 से ऊपर आए हैं तो वो सभी लोग अपने आप को लिस्ट में देख सकते हैं, जिनके इससे कम आए होंगे वो अपने आप को लिस्ट में नहीं देख पाएंगे। सेम SC ST और OBC में आप चेक कर लेंगे। अगर मेरे से आप पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ, तो आपको पता ही है UR वालों की जाती ही है, तो 75 कट ऑफ गई है, जिसके भी 75.08 से ऊपर रहे हैं आप अपने आप को लिस्ट में देख सकते हो, जिसके इससे बिलो हैं वो लोग नहीं देख पाएंगे अपने आप को लिस्ट में, क्योंकि उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है। चलिए आगे एक बात करें एज पर द, आप देखिए नोटिफिकेशन का पैरा नंबर 16 में ये दिया गया था कि टाई केस अगर कैंडिडेट का होता है, सपोज मेहुल और मानव ऐसे कैंडिडेट हैं, इन दोनों के सेम मार्क्स आ गए इस रिक्रूटमेंट में, एग्जाम में भी, PT में, PET में भी, ड्राइविंग टेस्ट में भी, हर जगह ये सेम मार्क्स लाए कैंडिडेट, तो ऐसे में हम मेहुल को रैंक 1 में, मतलब मेरिट में ऊपर रखेंगे या फिर मानव को। तो इसके लिए इन्होंने बताया है कि वन आफ्टर अनदर, देखिए तो इन्होंने बोला है ऐसे में हम देखेंगे कि जो डेट ऑफ बर्थ वाइज बड़ा होगा, अगर उसके मार्क्स सेम आ रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ वाइज जो बड़ा होगा, सपोज मान लीजिए मानव बड़ा है तो मेहुल को सेकंड रैंक मिलेगी एज कंपेयर टू मानव, मानव को ऊपर रख देंगे और मेहुल को नीचे कर देंगे उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अगर मानव एज वाइज बड़ा है, हालांकि तब भी सेम आएगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर नाम का देखा जाएगा। अब एक और चीज़ आपको बता दूं, कुछ कारणों से 59 ऐसे लोग हैं जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, 59। अब अगर आप देखते हैं तो हर लिस्ट, हर एक कॉलम में आपको दिखेंगे 10-10 लोग यहाँ दिख जाएंगे, तो आइए आप देख सकते हो आप सभी के रोल नंबर है, सपोज 22010448 44 और 22010005055 और इसके अलावा 22010344 93। तो ये कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके रिजल्ट्स को अभी नहीं दिया गया है, इन्होंने बोला है वेरियस बहुत से कारणों की वजह से इनके रिजल्ट अभी नहीं आए, मीन्स इनके रिजल्ट आएंगे, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और 4 ऐसे रोल नंबर और दिखाए गए हैं जिनका रिजल्ट वो डिबार्ड हो चुके हैं एग्जाम से, तो इनका रिजल्ट तो देयर रिजल्ट है, इनका रिजल्ट प्रोसेस में नहीं है और आएगा भी नहीं। तो आप लोग जिनके रोल नंबर ये है, तो आप लोग रेडी रहे कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा जैसा SSC द्वारा यहाँ दिया गया है। और एक और चीज़ यहाँ कह रहे हैं, रिजर्व पैनल के हिसाब से 15% कैंडिडेट जो है, रिजर्व पैनल विल बी मेंटेन एंड ऑपरेटेड बाय दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस विल टेक फर्दर एक्शन फॉर कलेक्शन ऑफ करेक्टर, ठीक है। तो इन्होंने सारी जानकारी दी है कि 15% वैकेंसी किसके लिए रिजर्व पैनल में थी, यहाँ पर आपको पता ही होगा ये चीज़ें। और ये कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट द सिलेक्शन नॉन इलेक्शन एलोकेशन ऑफ पोस्ट ऑफ द कैंडिडेट मे बी विद अ पीरियड ऑफ 1 month, सच एनी रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर 1 month विल नॉट बी, ठीक है, मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड, हाँ
ट्यू कोर्स, मतलब ये कह रहे हैं, अभी अभी आप ऐसा देखोगे लिस्ट में बहुत लोग नाम देखोगे, आप ये भी देखोगे कि यार हमने हमने तो अपना ड्राइविंग टेस्ट भी दिया, हमने अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करा लिया, एग्ज़ाम में भी हम पास कर गए, और हम जो है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी देकर आ गए, लेकिन हमें अपना लिस्ट में नाम देखने को नहीं मिल रहा, तो ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में आपको बता दूँ, इसका मतलब सिंपल यही है, जो ये कट ऑफ बता रहे हैं उससे आपके मार्क्स कम आए हैं। सपोज आपको लग रहा है कि नहीं यार आपके मार्क्स इतने कम नहीं आए होंगे, आपके मार्क्स सही आए हैं और आपका नाम लिस्ट में होना चाहिए था, तो ऐसे लोगों को ये करना होगा दोस्तों, आपको इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। सपोज अगर आज की डेट की बात करूँ तो 10th of December है, तो आप लोगों को इसमें आप ये मान लो 15 days का करो थोड़ा वेट, मतलब आप इस ईयर्स एंड से पहले यानी 2023 के ईयर एंड से पहले अपना रिजल्ट देख पाओगे कि आपका मार्क्स कितने हैं जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो लोग भी जो लोग अपने आप को अभी लिस्ट में देख रहे हैं वो भी ये चीज़ देख पाएंगे कि उनका सिलेक्शन हुआ तो किन बेसिस पर हुआ। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ सभी लोगों के मार्क्स जो हैं, जिन्होंने पास करा और पास नहीं करा, सभी लोगों का रिजल्ट आपको ड्यू कोर्स मीन्स हो जाता है कुछ समय के अंदर मिलेगा। बेसिकली SSC का कुछ समय कहने का मतलब यही होता है कि 2 से लेकर 3 वीक आप इतना मान सकते हो, यानी अगर मैं बात करूँ आज से तो आप नए साल से पहले अपना इस चीज़ को देख पाओगे 2024 से पहले में। हाँ, ये कल का नोटिस है बेसिकली, जिसको हमने अभी डिस्कस कराया आपके साथ, बेसिकली यही आपका कट ऑफ था जो आपको बता दिया गया है, सभी को दिख गया होगा दोस्तों। अब हम चलेंगे थोड़ा आगे, SSC के वेबसाइट पे अगर आप देखते हो तो रिजल्ट वाले सेक्शन पर जैसे ही आप आते हो, यहाँ पर आपको डायरेक्ट अदर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको कल के डेट में एक रिजल्ट दिखेगा, देखो आप सभी लोग देख पा रहे हो, तो बेसिकली अभी इन लोगों को जॉब मिल चुकी है जो भी लिस्ट में अपना नाम देख पा रहे हैं। आप देख सकते हो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, सारे कुछ हो चुका है, सब कुछ हो गया है, बस बेसिकली आपको अब ज्वाइनिंग लेनी है, इस जॉब को लेना है। आपको बता दूँ ये कांस्टेबल ड्राइवर हैं, बेसिकली आप सब लोगों को ड्राइविंग का काम रहेगा दिल्ली पुलिस में, सभी मेल के लिए जॉब थी और रोल नंबर ऑर्डर में ये लिस्ट है और रैंक भी दी गई है। हाँ, ये ऑल इंडिया रैंक है दोस्तों आप सभी की, ऑल इंडिया रैंक मीन्स ये हो जाता है कि अगर आप कोई दूसरी जगह से भी भर रहे हैं, कहीं से भी, पूरे देश के हिसाब से एक रैंक निकाली जाती है, जो ये क्लियर करती है कि भाई पूरे देश में इस रिक्रूटमेंट में ये कैंडिडेट शामिल हुआ और इसने इस रैंक को लाया, जो कि पूरे देश में इसकी यूनिक रैंक है, ऑल इंडिया रैंक हो जाती है वो। तो मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया रैंक 27 लाने वाले कैंडिडेट का नाम जो है मिस्टर विशाल है, रोल नंबर आप देख सकते हो, और मुख्य मुख्य तार कैंड फादर का नाम है, और 1995 के मई के 27 डेट का इनका बर्थ है, और ये जो है कैटेगरी 9 से हैं। कैटेगरी 9 आपको बता दूँ, यहाँ पर ये आपका UR रहेगा, मतलब कि ये बिना रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में है। सपोज अगर SC होते तो 1 लिखा होता, ST होते तो 2 लिखा होता इनकी कैटेगरी के आगे। सभी लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं अपनी रैंक वाइज कि किसकी क्या रैंक आई, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी रैंक कैसी आई है, आपको लिस्ट में नाम देखने को मिला या नहीं मिला, तो सभी लोग यहाँ से अपना देख सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर आपको रैंक अगर किसी को भी 1 मिल रही है तो ज़रूर बताएं। देखिए रैंक 3 मुझे मिल चुके हैं, यहाँ पर रैंक 3 में एक बार आपको बताऊंगा आप सभी को, देवेंद्र कुमार नाम के कैंडिडेट हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक जो है 3 आई है। हाँ, ऑल इंडिया रैंक इनकी 3 है, मतलब कि पूरे देश में ये 3rd रैंक पर आए हैं इस रिक्रूटमेंट में। तो सभी लोग इस तरीके से अपना रिजल्ट ढूंढ सकते हैं, जिनको भी ढूंढना हो इस तरीके से आप लोग ढूंढेंगे, और मैं आप सभी के लिए ऑल इंडिया रैंक 1 ढूंढ रहा हूं यहाँ पर। ऑल इंडिया 1 रैंक थोड़ा ढूंढना इसमें पॉसिबल नहीं भी होगा, आप देख सकते हो, लेकिन नहीं मिलेगा मुझे लगता है, क्योंकि पूरी लिस्ट को थोड़ा सही से देखना पड़ेगा, तो आप लोग देख लेना यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 1 किसका है। तो ये आपका पूरा रिजल्ट है, एक बार अगर हम एंड में चलते हैं लिस्ट में तो आप देखोगे यहाँ पर 1300
93 लोगों का यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन हुआ है। अगर आप बात करो तो 1411 वैकेंसियाँ दी थी, यानी कि इनकी वैकेंसियाँ खाली रह गई हैं। बात करें तो 11 और 3, 14 वैकेंसी इनकी अभी भी यहाँ पर खाली रह गई है, मतलब कि इतने लोगों को यहाँ से जॉब नहीं मिली है। बेसिकली 14 लोग इनकी वैकेंसियाँ खाली रह गई, मतलब कि 14 लोगों को यहाँ पर ये नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में इसको फिल करेंगे। और इतने लोगों को यहाँ से जॉब मिल गई है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है दोस्तों, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई ऐसा पॉइंट लग रहा हो जो नहीं समझ आया हो इसमें, आप कमेंट में बता सकते हो। और इस जानकारी को देश विदेश एवं पूरे दुनिया में फैलाइए, भारत देश में एक एक जगह तक फैलाइए। हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, एक एक जगह तक फैलाइए। बहुत बड़ा अपडेट था आप सभी के लिए। ये फाइनल रिजल्ट है, बेसिकली इन सबको जॉब मिल चुकी है जिनका भी लिस्ट में नाम है। दिल्ली पुलिस में सभी लोग ड्राइवर, अब ये ड्राइवर की जॉब करेंगे ये सभी लोग जो कि दिल्ली पुलिस में करेंगे, मेल हैं सारे, मतलब कि इसमें फीमेल कैंडिडेट्स की जॉब नहीं थी। चलिए आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।